शाहीन बाग में रास्ता बंद है। उस बंद रास्ते की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, स्कूल के बच्चों को तकलीफ हो रही है, एम्बुलेंस के जाने में तकलीफ हो रही है, लोगों को जो आधा आधा घंटे 40 मिनट का रास्ता होता था उसमें ढाई ढाई तीन तीन घंटे लोगों के लग रहे हैं। मैं इस बारे में कई बार कह चुका हूं कि इस देश के अंदर संविधान के तहत हर व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन की वजह से आम जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये जो कई दिनों से तकलीफ हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके तहत लॉ एंड ऑर्डर आता है, केंद्र सरकार, वो इसका समाधान क्यों नहीं कर रही है? रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने की बजाय, अभी रविशंकर प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इतने में वहां शाहीनबाग हो आते। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं सुधरेगी, काम करने से सुधरेगी। हमसे सीखो काम कैसे करते हैं, काम करना हमको आता है, इनको केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और गंदी राजनीति करनी आती है। और आज लिख के ले लो, ये 8 तारीख तक रस्ते नहीं खुलने वाले, 9 को खुल जाएंगे। ये शाहीनबाग के रस्ते भारतीय जनता पार्टी खोलना ही नहीं चाहती। मैं आज आप सब लोगों के जरिए निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, गृहमंत्री अमित शाह जी को, पीयूष गोयल जी को, रविशंकर प्रसाद जी को, जितने इनके बड़े बड़े नेता हैं, सबको जाना चाहिए शाहीनबाग, जाके उनसे बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके वो रस्ते खुलवाने चाहिए। जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये केवल और केवल हर चीज के ऊपर, देश के ऊपर, देश की सुरक्षा के ऊपर, लोगों की सुविधा के ऊपर, हर चीज पे गंदी राजनीति करते हैं लोग। कह रहे केजरीवाल से हमको परमिशन चाहिए, आज परमिशन दे दी। बीजेपी वालों चलो करो, अभी एक घंटे में खुलवा दो रास्ता। ये गलत फहमी के शिकार थे, इन्होंने हमारी सरकार के खिलाफ कई बार हड़ताल की ये सोच के कि दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही है एमसीडी को। जब इन्हें समझ आया पूरा कि कसूर दिल्ली सरकार का नहीं है, दिल्ली सरकार ने तो सारे पैसे दे दिए हैं, और ये एमसीडी और केंद्र सरकार जो है वही इसका कारण है कि आज सफाई कर्मचारियों को उनके पूरे हक नहीं मिल रहे, तब इन्होंने तय किया कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके और उसके लिए संघर्ष किया जाए। संजय गहलोत जी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, मैं आज उनका पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं, और इनके जरिए मैं दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर गरीबों का कोई एक पार्टी है जो गरीबों की सोचती है, अगर कोई एक पार्टी है जो गरीबों के लिए लड़ती है, और अगर कोई एक पार्टी है जो सफाई कर्मचारियों को उनका हक दिलाएगी, वो केवल आम आदमी पार्टी और कोई पार्टी नहीं है। बाकी सारी पार्टियां अभी तक वोट लेने के लिए सफाई कर्मचारियों के पास आती थी, और जीतने के बाद फिर बड़े बड़े साहूकारों की गोद में जाके बैठ जाती थी। केवल आम आदमी पार्टी है जो सफाई कर्मचारियों को, गरीबों को उनका हक दिलाएगी। मैं अब संजय गहलोत जी से कहता हूं कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त करें कि उन्होंने क्यों तय किया कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार। करोड़ों श्लोकों के निर्माता, सृष्टि रचयिता, महान हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण के रचयिता भगवान श्री वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारे देश का संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, जिस देश के हम लोग रहने वाले हैं, जिस देश में हमें जीने का अधिकार है, और जिस देश में रहकर अपने अधिकार प्राप्त करने का अधिकार भी है, उसका एक नारा लगा दीजिए अपने बाजुओं का, भारत माता की, भारत माता की, मजदूर एकता। आज बड़ी खुशी का दिन है कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के यहां आज हम सब लोग यहां उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ आज यहां दिल्ली की तमाम 70 विधानसभा जो सीट से कोशिश की गई कि सभी के लोग यहां उपस्थित हैं। प्रमुख रूप से चांदनी चौक की अगर बात करूं तो ओम प्रकाश जी राजूरे साहब यहां बैठे हुए हैं, मटियाला से गुरु आरपी सिंह जी, गुरु आरपी सिंह जी जो हमारे धर्म गुरु हैं,
वो सभी लोग आए, त्रिलोकपुरी से सुरेंद्र बिड़लान जी हैं, सुरेंद्र ढिलोर जी बैठे हुए हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा से, डॉक्टर राजेश भगवाना जी बैठे हुए हैं, इसके बाद दयानंद टांग जी वेलकम सिलमपुर से, सभी लोग हमारे आए हुए हैं। जुम्मन लाल प्रधान जी हमारे बीच में हैं, एक बार खड़े हो जाना जुम्मन लाल प्रधान जी, इनकी 90 साल की आयु है और हमेशा से कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर भी रहे, राम रखामल जी के समय भी इन्होंने काम किया है, लेकिन इन्होंने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की है और आज हमें आशीर्वाद दिया यहां पे आके कि हमेशा आम आदमी पार्टी के साथ में काम करेंगे, अपने मजदूरों को न्याय दिलाएंगे। आदरणीय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 25 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में था और स्वयं सेवक भी रहा हूं, अपने सफाई मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए, अपने वाल्मीकि समाज को अधिकार दिलाने के लिए दिल्ली में लगातार 8 बार हड़तालें की, लेकिन रिजल्ट वही 0 रहा। हमें सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित किया है किसी ने तो आज दिल्ली प्रदेश के जो मुखिया हैं मनोज तिवारी जी, उन्होंने हर कदम पर छल कपट हमारे साथ में किया, हमारे तमाम आंदोलनों को कुचलने उन्होंने काम किया। रात के अंधेरे में आते थे सिविक सेंटर के जी, मैं ये कर दूंगा, सबसे पहले उन्होंने कहा था, आपको याद भी होगा, कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट पैसे एमसीओ को दिला दूंगा, आज तक नहीं दिला पाए। उन्होंने हमें यह भी कहा था कि नगर निगम का पहले से मैं एकीकरण करवा दूंगा, नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि मैं सबको पक्के करा दूंगा, नॉट इवन अ सिंगल वन किसी को पक्का नहीं करा पाए। ये सारी की सारी बातें साथियों, आपको यह भी पता होगा, अपनी बात को मनवाने के लिए हमने हमें सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपने मन की बात कहते हैं। हम सफाई मजदूरों ने, दिल्ली के 80,000 सफाई मजदूरों ने मिलकर प्रधानमंत्री जी को जब अपनी बात कहने के लिए वहां पे चाहा कि हमने कहा, प्रधानमंत्री जी आप हमेशा अपने मन की बात करते हो, लेकिन आज कम से कम सब सफाई मजदूर हैं, इनके मन की बात सुन लीजिए। तकरीबन 45,000 सफाई मजदूर हमारे जंतर मंतर पहुंचे अपनी बात कहने के लिए, उल्टा हमारे पर लाठी चार्ज किया गया, नरसंहार किया गया एक तरह का हमारे पर, हमारी महिलाओं को चोट लगी, 700 एमएलसी हमें करानी पड़ी अपनी महिलाओं के पुरुषों की। उसके बाद दिल्ली के जो भी मेयर रहे उनका हमेशा एक रटा रटा जवाब रहता रहा, उन्होंने कहा देखिए दिल्ली सरकार की जो देनदारी है, अनुदान राशि जो है वो हमें नहीं मिली, वो हमें इधर करते रहे कि आप वहां जाओ दिल्ली सरकार से पैसे लेकर आओ। ये सारी की सारी बातें लगातार हमें 8 बार साहब के निवास स्थान में प्रदर्शन करना पड़ा, वहां सचिवालय भी प्रदर्शन करना पड़ा। और देखिए आज मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, जब जब सफाई मजदूरों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, कभी इन्होंने हमें खाली हाथ नहीं भेजा, हमेशा हमारी मांग पूरी करके भेजा। हमें याद है वो दिन, माननीय अरविंद जी जब बेंगलोर में अपने इलाज कराने के लिए गए थे, इन्हें पता चला दिल्ली में हड़ताल कर रखी है, सफाई कर्मी भूखे मर रहे हैं, इन्होंने वहीं से अनाउंस किया, हमारी चैनल पर लाइव डिबेट चल रही थी, इन्होंने वहीं से ऐलान किया कि आज इस सफाई मजदूर, पर्टिकुलर सफाई मजदूरों के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज इन्होंने दिया, कभी 100 करोड़ का पैकेज दिया, कभी 300 करोड़ का पैकेज दिया। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट जो कहती है, हमने सारी जांच पड़ताल की, उल्टा उसमें दिल्ली सरकार की ही देनदारी एमसीडी के ऊपर, तो अब जाके सारे खुलासा हुआ कि असली जो दोषी है सफाई मजदूरों को और नीचे दिखाने के लिए या सफाई मजदूरों को शोषण करने के लिए, वाल्मीकि समुदाय का शोषण करने के लिए, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लिहाजा हम सब ने आज निश्चय किया है, आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सारा काम करने का निश्चय लिया है। आप सब यहां पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अंदर डिस्कस कर रहे थे बैठ के, मैंने अपने जीवन काल में इतने मृदुल, इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति किसी को नहीं देखा। कई बार तो ऐसा होता था किसी चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था और वो अंदर होते थे, कहते थे यहां तो कोई है ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर डिस्कस हुआ है। साहब ने आज हमें 2 एश्योरेंस करके यहां से भेज रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी ही रहने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में, और देखिए 2017 में भी इन्होंने विधानसभा पटल पे एक कानून पास किया था कि दिल्ली नगर में जो 2017 तक हमारे सफाई मजदूर लगे हैं सबको पक्का किया जाएगा, आज भी अपनी उसी बात पे अटल हैं। इन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि हम सबको पक्का करेंगे। इसके अलावा जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उसमें इन्होंने कहा है अभी हमें अंदर, और अपनी मुखवाणी से भी कहेंगे, जिस प्रकार आपको याद होगा 2012 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया, आज वही दंश हमें झेलना पड़ रहा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि ये सफाई मजदूर कहां से खाएंगे, कहां से कमाएंगे। पूर्वी दिल्ली की अगर बात करते हैं तो केवल रिकवरी के नाम पर 40 करोड़ रुपए आता है, देनदारी 90 करोड़ रुपए की है, ऐसे फंसा के हमें रख दिया, आज तक उस चीज का हम दंश झेल रहे हैं। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी है, हमें उम्मीद की किरण नजर आई है
आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कि जो काम हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था आज हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए हम भी क्षमा प्रार्थी हैं। ये तो बहुत पहले हमें काम कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कहावत है देर आए दुरुस्त आए। हम अपने सीएम साहब को विश्वास दिलाना चाहते हैं। देखिए जैसे हम क्रिकेट का मैच खेलते हैं उसमें एक बॉलर अपनी हैट्रिक भी लेता है ना, हमें पूरा विश्वास है कि जिस दिन 11 तक रिजल्ट निकलेगा अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनकर हैट्रिक मार के वहां पर बैठेंगे। इसमें हम इनको विश्वास दिलाते हैं। दिल्ली विधानसभा में जहां जहां हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं उसमें हमारे कार्यकर्ता भी हैं, घर घर जाके डोर डोर कैंपेन करके हम पूरी कोशिश की जाएगी कि देखिए जो इनका नारा है कि अब की बार 70 पार, उसको सपना जो है उसको साकार करके हम सारे समुदाय के लोग करके दिखाएंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। मेरे सभी साथियों से प्रार्थना है कि आज गांधीनगर विधानसभा में ही आपका रोड शो है वहां पे, उसमें सभी लोग वहां भी हिस्सा लेंगे और आने वाले दिनों में उसमें कहने की आवश्यकता नहीं कि बिल्कुल तन मन धन से जी जान से आम आदमी पार्टी में और चार चांद लगाएंगे, बिल्कुल मेहनत से ईमानदारी से हम काम करना चाहते हैं। आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी ओर से माननीय अरविंद केजरीवाल जी को विश्वास दिलाता हूं, बड़ी मेहनत बड़ी तत्परता से लगन से आम आदमी पार्टी को और ऊंचे पर पहुंचाने काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा अभी संजय जी ने कहा, इन दोनों बातों को आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अमल करने के प्रयास करेगी। एक तो सफाई कर्मचारियों को एमसीडी के ऊपर दबाव बनाएंगे और एमसीडी से इन सफाई कर्मचारियों को सबको हम पक्का करवाएंगे, और दूसरा तीनों एमसीडीज का एकीकरण करने के लिए संघर्ष करेंगे। तो मैं इनका पार्टी में और इतने सारे संजय जी के साथ जो लोग आए हुए हैं उन सबका आज पार्टी में फॉर्मल तरीके से संजय गहलोत जी के जरिए स्वागत करता हूं।